दोस्तों, डर्मेटोग्लाइफिक्स एक ऐसा साइंस है, उसमें फिंगरप्रिंट पैटर्न स्टडी किए जाते हैं और हमारी हर एक उंगली रिप्रेजेंट करती है एक यूनिक इंटेलिजेंस, एक यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको 8 उंगलियों के बारे में बता दिया है कि वो कौन सा इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट करती है ये मेरी वीडियो सीरीज़ में। आज मैं आपको बताऊँगा हमारे 9th फिंगर के बारे में, मतलब रिंग फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, उसको हम अनामिका उंगली भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिंग फिंगर है हमारे लेफ्ट हैंड की, वो रिप्रेजेंट करती है हमारी इमोशंस, भावनाएं। देखो, ये भावनाएं जो होती, मैं जो बात कर रहा हूँ इसका मतलब है कि सेल्फिश एक्सपेक्टेशन। ये जो पैटर्न है, फिंगरप्रिंट पैटर्न जो रिंग फिंगर पे होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि आपकी इमोशंस कैसी है, हाई है, मीडियम है या लो है। अगर आप हाईली इमोशनल पर्सन होगे तो ये जो फीलिंग्स है या फिर ये आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, ये आपकी बहुत हाई होंगी अपने पार्टनर से। मतलब ये जो सेल्फिश एक्सपेक्टेशन जो है, ये दो टाइप का होता है। देखो, मतलब मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। अगर मेल की इमोशंस ज़्यादा है तो वो क्लोज होगा या फिर वो एक्सपेक्ट करेगा उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर से। ही विल हैव सेल्फिश एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम। एंड देन अगर ये फीमेल का इमोशंस हाई, मतलब इफ़ फीमेल इज़ हाईली इमोशनल, वो एक्सपेक्ट करेगी अपने हस्बैंड, फादर और सन से। इन तीन लोगों के वो ज़्यादा करीब होगी। तो इसका मतलब कि अगर आप भी ऐसा ये रिलेशनशिप में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो इन लोगों से, इसका मतलब कि आप हाईली इमोशनल पर्सन हो। देखो, पर्सन या तो इमोशनल होता है या फिर लॉजिकल होता है, और ये पता चलता है हमारे फिंगरप्रिंट पैटर्न से। अगर आप इमोशनल हो या लॉजिकल हो, ये पता चलता है हमें, मतलब रिंग फिंगर पैटर्न से ये पता चलता है कि आपकी इमोशंस कैसी है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। इफ़ यू वांट टू नो वेदर यू आर इमोशनल और नॉट, देन यू कैन नो दिस बाय स्टडिंग द फिंगरप्रिंट पैटर्न ऑन रिंग फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।